हेलो दोस्तों, मैं हूं तुलेश कुमार साहू और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछले के वीडियो में हमने देखा कि शिवलिंग चढ़ा का जुड़ाई कैसे करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले घोला मार कर ऊपर के पट्टे को प्लास्टर करेंगे। उसके बाद पट्टी चलाकर चारों तरफ के धार को बांधी कर लेंगे। उसके बाद चारों तरफ के धार को लेबल पट्टी रखकर रूसा मार लेंगे। उसके बाद पट्टी को ऊपर में रखकर मैंने 2 इंच का पट्टी इसमें ऊपर में काटा है और अंदर को गहरा रखा है, क्योंकि जब हम शिवलिंग को मढ़ाएंगे तो पानी उस जो पाइप लगा है उसमें जाना चाहिए। इसलिए दो इंच की पट्टी टेपते वक्त कोने कोने को थोड़ा छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें हम कॉर्नर वाला डिज़ाइन डालेंगे। दो इंच की पट्टी कट जाने के बाद कॉर्नर डिज़ाइन में मसाला भरकर वहाँ पर चिपकाएंगे कोने कोने में। हमने चारों कोनों में कॉर्नर डिज़ाइन चिपका लिया है, तो अब हमारा ऊपर का भी कंप्लीट हो चुका है। बाद में शिवलिंग मढ़ाते वक्त इसको फोल्डिंग करेंगे। तो अब हम नीचे में घोला मारकर वहाँ पर मसाला मारेंगे। मसाला मार लेने के बाद पट्टी को रखकर धार को बांधी कर लेंगे। धार बांधी हो जाने के बाद पट्टी को ऊपर तरफ रखेंगे और नीचे में
मसाला मारेंगे। नीचे में मसाला मार लेने के बाद उसमें राउंडिंग रूसा चलाएंगे और जो गाबड़िया है उसमें फिर से मसाला मारेंगे और उसके बाद फिर राउंडिंग रूसा चलाएंगे। ऊपर का हिस्सा हो जाने के बाद पट्टी को दोनों हाथों से पकड़कर नीचे से ऊपर की ओर दबाते हुए चढ़ाएंगे। नीचे में जो गाबड़ी आएगा उसको करनी से भर लेंगे, उसके बाद फिर दबाते हुए चलाएंगे। यहाँ पर मैंने नीचे में गोल वाला बीट और दिया है। हमारा ऊपर वाला डिज़ाइन तैयार हो चुका है दोस्तों। अब इसे फिनिशिंग करने के लिए हम इसमें सीमेंट छींटेंगे। सीमेंट छींट लेने के बाद सीमेंट का पतला घोल बनाकर ब्रश से इसके ऊपर चढ़ाएंगे। उसके बाद फिर इसको करनी से फिनिशिंग करेंगे और नीचे के हिस्से को राउंड फंटी से फिनिशिंग कर लेंगे। और जो राउंड हिस्सा है उसको झिल्ली से फिनिशिंग कर लेंगे। अब हम सामने के हिस्से में पाइप का आधा टुकड़ा लेकर वहाँ पर चिपकाएंगे। इसे चिपकाने के लिए पहले पाइप में मसाला भर लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर सीमेंट छींट लेंगे और उसके बाद पाइप को वहाँ पर रख कर करनी से ठोकेंगे और इसके निकालने के लिए थोड़ा दबाते हुए खिसकाएंगे। ऐसे ही पाइप से चारों तरफ का डिजाइन कर लेंगे। उसके बाद इस पाइप वालों को भी फिनिशिंग करने के लिए इसमें सीमेंट छींटकर ब्रश से घोल चढ़ा देंगे। और पाइप का छोटा टुकड़ा लेकर इसे फिनिशिंग कर देंगे।
अब हमारा ऊपर का डिजाइन फिनिशिंग भी हो चुका है दोस्तों। अब हम नीचे में घोला मारकर वहाँ मसाला मारकर प्लास्टर करेंगे नीचे को। सभी तब मसाला मार लेने के बाद पट्टी को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर दबाते हुए चढ़ाएंगे। अब सभी तरफ को रूसा से फिनिशिंग कर देंगे और कोने का धार भी हम बांधी कर लेंगे। उसके बाद पट्टी को जो डिजाइन है उसे कि नीचे रखकर पट्टी के ऊपर मसाला मारेंगे और मसाला को स्लोप कर देंगे जिससे कि हमारा एक और बीट यहाँ पर बन जाएगा। ऐसे ही बीट चारों तरफ बनाने के बाद उसके ऊपर सीमेंट छिटेंगे इसको भी फिनिशिंग करने के लिए। सीमेंट छिटने के बाद पट्टी को नीचे में रखकर डिजाइन के ऊपर घोल चढ़ा देंगे। उसके बाद कोने कोने को 2.5 इंच छोड़ते हुए नीचे को खाँचेंगे जिससे कि जो हमारा एक धार है वो दो धार में बदल जाएगा। उसके बाद दीवार में भी सीमेंट छींट कर उसके ऊपर ब्रश से पतला घोल चढ़ाकर उसको भी फिनिशिंग कर देंगे। मैं आपको आगे का डिज़ाइन अगले वीडियो में भेज दूंगा दोस्तों। अगर आपने पिछला वाला नहीं देखा तो जाके देख लेना, इसका जुड़ाई डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।